एक बार फिर से मुंबई इंडियंस जो है वो चर्चा में आ चुकी है। पिछले साल आईपीएल में हार्दिक पांड्या को अचानक से कैप्टन बनाने की वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो चर्चा में आ गई थी, लेकिन इस बार कुछ और ऐसा हुआ है जो सुनकर आप लोग चौंकने वाले हैं। पिछले बार क्या हुआ था कि रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन थे और अचानक से खबर मिली कि जो हार्दिक पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे और अचानक से खबर ये मिली कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आ गए हैं और कप्तान भी बन गए, यानी कप्तान भी बन गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुंबई का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा रहा नहीं। मुंबई इंडियंस काफ़ी वायरल टीम है आईपीएल की और आईपीएल में 5 ट्रॉफी भी मुंबई इंडियंस जीती, फैन फॉलोइंग भी मुंबई इंडियंस की काफी है क्योंकि इस टीम से सचिन तेंदुलकर खेले हुए हैं, रोहित शर्मा खेलते हैं, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, ईशान किशन खेलते हैं, तो काफी पॉपुलर टीम है और 5-5 ट्रॉफी भी इस टीम ने जीती है। तो आईपीएल में हमेशा ये टीम बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, लेकिन कुछ फैसले भी इस टीम की अजीब सी रहती है। अभी क्या है कि रिटर्न लिस्ट जो है, रिटर्न और रिलीज लिस्ट जो है वो सौंपना है आईपीएल के जो मैनेजमेंट है उनको, क्योंकि जितने भी टीम है अगर वो जो है सारी टीम जो है वो अगर अपनी रिटर्न और रिलीज टीम की लिस्ट सौंपेगी उस हिसाब से मिनी ऑक्शन होगा और प्लेयर जो है वो प्लेयर बिकेंगे। तो उसमें से खबर ये मिल रही है कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जो हैं, ये जो दोनों बड़े प्लेयर, जो दो बड़े नाम हैं, ये मुंबई इंडियंस से जो है रिलीज हो सकते हैं। रिलीज क्यों हो सकते हैं, क्या है रीजन? हार्दिक पांड्या का जो है वो अभी कुछ समय से हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, फिटनेस इशू है जिसके कारण इनको टी20 का कप्तान भी नहीं बनाया गया फिटनेस इशू के कारण। लेकिन हार्दिक पांड्या काफी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, हमेशा काफी अच्छा क्रिकेट खेलते भी हैं, लेकिन पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस है उतना बेहतरीन नहीं रहा और वहीं ईशान किशन का जो भी फॉर्म है वो भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। और मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी चाहिए होता है क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है ट्रॉफी जीतती है और जो भी टीम ज़्यादा ट्रॉफी जीतती है उनके जो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आईपीएल टीमों की जो मोटी कमाई होती है वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से होती है, क्योंकि फाइनल जीतने पे 20 करोड़ रुपये मिलते हैं और जो टीमें होती है वो अपने प्लेयर्स पे करोड़ों रुपये खर्च करती है। पिछले साल मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये खर्च किए थे क्योंकि गुजरात टाइटन्स को 100 करोड़ रुपये देने पड़े थे और हार्दिक पांड्या को लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये मिला था। तो लगभग आप लोग सोच सकते हैं कि 150 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस के जो है वो हार्दिक पांड्या पे ही खर्च हो गए थे। लेकिन जो मेन कमाई होती है, जो आप लोग जर्सी में लोगो लगे हुए देखते होंगे, जो सारे लोगो लगे हुए थे, वही ब्रांड स्पॉन्सरशिप से ही मेन कमाई होती है। तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप उसी टीम को मिलता है जो टीम काफी ज्यादा पॉपुलर रहता है, जो टीम ट्रॉफी जीतती है, जिस टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो इस प्रकार से ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए टीम जो है वो तगड़ी होनी चाहिए और उसी के लिए जो है मुंबई इंडियंस प्रयास करिए कि उनकी टीम और तगड़ी हो। तो दो प्लेयर का जो नाम आया है, जो दो प्लेयर हैं वो बहुत ही बड़े नाम है, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, दोनों को जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम रिलीज कर सकती है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर।